प्रिंसिपल्स ऑफ पैरेलल एल्गोरिदम डिज़ाइन। लास्ट में हमने पैरेलल एल्गोरिदम्स के बारे में कुछ बातें की थी। अब आज के सेशन में हम इसके कुछ प्रिंसिपल्स को देखेंगे और इसके कुछ मॉडल्स को स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह हमारे मॉडल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। वो कंपटीशन के मॉडल थे, यहाँ पर पैरेलल एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए जो लेआउट्स हैं उनकी बात होगी। ठीक है, सो एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए बेसिकली किन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है या कैसे कैसे हम एक एल्गोरिदम को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और उनके बाद एल्गोरिदम को एनालाइज कैसे कैसे किया जाता है, ये चीज़ें आज डिस्कस होंगी। ठीक है, सो एल्गोरिदम डेवलपमेंट इज़ द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को यूज़ करके हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिदम डेवलप करते हैं, ताकि एल्गोरिदम क्यों डेवलप किए जाते हैं, सिंपली एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए, कि हमारा टाइम कम लगे, हमारी मेमोरी कम कंज्यूम हो। क्योंकि हम जब भी एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं तो दो तरीकों में करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से। सो अ सिक्वेंशियल एल्गोरिदम क्या होता है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं, जिसकी डेफिनेशन हमने कल देखी थी। ठीक है, कहते हैं सिक्वेंशियल एल्गोरिदम इज एसेंशियली अ रिसिप। इसका मतलब होता है कि इस काम के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास सिक्वेंशियल एल्गोरिदम, एक नुस्खा इस चीज़ का है, आर अ सीक्वेंस ऑफ बेसिक स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जिसको हम सीक्वेंशियल एल्गोरिदम ही कहते हैं इन अ सीरियल कंप्यूटर। तो सो सिमिलरली इसी तरह से पैरेलल एल्गोरिदम भी यूज होते हैं। ठीक है, पैरेलल एल्गोरिदम में क्या होगा, पैरेलल प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, पैरेलल एल्गोरिदम इज अ रिसिप दैट टेल्स अस हाउ टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसेस, कि मल्टीपल प्रोसेसेस को यूज करके हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हाउएवर स्पेसिफाइंग अ पैरेलल एल्गोरिदम इन्वॉल्व मोर देन जस्ट स्पेसिफाइंग द स्टेप्स, मतलब कि स्टेप्स को हम बताने के साथ साथ कुछ पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में बात करनी है, यानी कि जस्ट स्टेप्स नहीं, उससे भी ज्यादा। क्या, एट द वेरी लीस्ट अ पैरेलल एल्गोरिदम हैज एडेड डायमेंशन ऑफ कंकरेंसी। कंकरेंसी से क्या मतलब होता है, एट द सेम टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना कंकरेंटली, एंड द एल्गोरिदम डिजाइनर मस्ट स्पेसिफाई स्टेप्स, सेट ऑफ स्टेप्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। तो ये वाले स्टेप्स ही नहीं जस्ट, बल्कि इन स्टेप्स को साइमल्टेनियसली कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, ये पैरेलल एल्गोरिदम की हमारे पास खासियत है। सो दिस इज एसेंशियल फॉर ऑब्टेनिंग द परफॉर्मेंस बेनिफिट्स। तो अगर हम पैरेलल एल्गोरिदम लेंगे तो उससे परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हमें बेनिफिट मिलेगा परफॉर्मेंस का। ठीक है, सो इन प्रैक्टिस स्पेसिफाइंग नॉन ट्रीवियल पैरेलल एल्गोरिदम, ठीक है, मे इंक्लूड सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग। ट्रीवियल या नॉन ट्रीवियल क्या होता है, ट्रीवियल जिसका एक वर्टेक्स होता है, नॉन ट्रीवियल उसका अपोजिट। ठीक है, वर्टेक्स, वर्टेक्स किसे कहते हैं, जब हम ग्राफ्स पढ़ते हैं ना उसमें वर्टेक्स होते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसका एक ही वर्टेक्स होता है उसको ट्रीवियल बोला जाता है। तो कहते हैं कि हम स्पेसिफाई करते हैं नॉन ट्रीवियल पैरेलल एल्गोरिदम, यानी कि ज़्यादा जिसके वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, नॉन ट्रीवियल पैरेलल की फॉर्म में यहाँ वर्ड आ रहा है, वर्टेक्स यहाँ पर नहीं यूज हो रहा, यहाँ पर नॉन ट्रीवियल वर्ड को यूज किया गया पैरेलल के लिए साथ, कि वहाँ पर यानी कि ज़्यादा, एक वक्त में ज़्यादा काम। ठीक है, नॉन ट्रीवियली पैरेलल एल्गोरिदम में इंक्लूड सम ऑफ द ऑल फॉलो, यानी कि पैरेलल एल्गोरिदम के अंदर ये प्रिंसिपल फॉलो किए जाएंगे। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाइंग पोजिशंस ऑफ द वर्क डैट कैन बी परफॉर्म कंकरेंटली। ठीक है, पहले हमने देखना है कहाँ कहाँ पर, किन किन जगहों पर हम कोई काम कर रहे हैं, हमें कंपटीशन कर रहे हैं, हमने एक नया एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है, हमने देखना है कि इस सारे पोर्शन में से कहाँ कहाँ पर मुझे पैरेलल प्रोसेसिंग की ज़रूरत है। ठीक है, कि जहाँ जहाँ पर मल्टीपल काम एक वक्त में करवाने हैं। ठीक है, कहते हैं मैपिंग द कंकरेंट पीस ऑफ वर्क ऑन टू द मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग इन पैरेलल। तो उन उन पोर्शंस में जहाँ जहाँ पर मल्टीपल काम करवाने हैं, मल्टीपल प्रोसेसिंग होनी है, तो उन उन जगहों पर हम प्रोसेसेस को मैप कर देंगे, यानी कि मल्टीपल प्रोसेसिंग का इन्वायरमेंट दे देंगे पैरेलली, कि वहाँ पर एक वक्त में मल्टीपल प्रोसेसर, मल्टीपल प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पर आ जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट आउटपुट एंड इमीडिएट डाटा एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम, फिर उन प्रोसेसर्स को इनपुट आउटपुट या डाटा एसोसिएटेड उस प्रोग्राम के साथ जो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। सो मैनेजिंग एक्सेस टू डाटा शेयर्ड बाय द मल्टीपल प्रोसेसर्स, फिर क्योंकि मेमोरी तो हमारे पास शेयर्ड होगी ना उस फॉर्म में, तो कहता है फिर एक्सेस को मैनेज किया जाएगा,
ठीक है, कि अब मल्टीपल प्रोसेसर अगर सेम टाइम पे उसको एक्सेस करेंगे तो वो एक इशू है, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए, मतलब उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें बात की गई है, तो एल्गोरिदम में उस चीज़ को भी मैनेज किया जाएगा। देखिए ना, पैरेलल एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है तो पैरेलल में एक चीज़ चीज़ तो आ सकती है कि मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और सब के सब एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो पैरेलल एल्गोरिदम के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना है हमने कि इसको कैसे मैनेज करना है। उसके लिए भी हमारा प्रिंसिपल है कि उसको मैनेज किया जाएगा। सो लास्ट वन इज सिंक्रोनाइजिंग द प्रोसेसर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द पैरेलल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सिंक्रोनाइजेशन का जब भी वर्ड आता है, मैंने बताया था कि टाइमिंग आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि हम ख्याल रखते हैं कि किस वक्त में क्या काम, कौन सा प्रोसेसर कौन सा काम, कौन सा टास्क, कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, या किस वक्त में कौन सा प्रोसेसर इस वक्त मेमोरी को एक्सेस कर रहा है स्पेसिफिक प्रोसेस को। मैसेज पासिंग में भी हमने चीज़ देखी थी सिंक्रोनाइजेशन की, कि जब मैंने कहा था कि पता चलता है कि मेमोरी एक प्रोसेसर किस लोकेशन से डाटा किस टाइम पे एक्सेस कर रहा है। इसी तरह से पैरामीटर में हम लोकेशन भी साथ देते थे और साथ उसका डेस्टिनेशन आईडी देते थे। दीज आर द फाइव प्रिंसिपल्स जिसको फॉलो करके एक पैरेलल एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया जा सकता है। उसने कहा जी सबसे पहले आपने वो जगह ढूंढनी है जहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, देन उनके ऊपर जो आपने मैप कर देना है कंकरेंट पीस ऑफ वर्क कि ये ऐसे ऐसे काम होगा, यानी कि प्रोसेसिस को अलाट कर देना है, ठीक है। देन इनपुट आउटपुट का मैकेनिज्म क्या होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, देन मैनेज करना है कि अगर एक वक्त में एक्सेस करनी है तो वो कैसे होगी, एट द एंड सिंक्रोनाइजेशन का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। सो टास्क ठीक है, ऊपर हमने बात की कि प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया जाता है मल्टीपल टास्क में, सब प्रॉब्लम्स में, ठीक है, पैरेलल में। सो टास्क डिकम्पोजिशन एंड डिपेंडेंसी ग्राफ, कहते हैं डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिवाइड द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग आर कंप्यूटेशन इंटू स्मॉलर पार्ट्स सम आर ऑल ऑफ विच मे पोटेंशली बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल, जिसको पैरेलल ही चलाया जा सकता है, इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन कहते हैं। सो टास्क आर प्रोग्रामर डिफाइंड यूनिट्स, टास्क तो वही होते हैं जो प्रोग्रामर ने करने हैं, तो प्रोग्रामर डिफाइंड यूनिट्स ऑफ कंप्यूटेशन इंटू विच मेन कंप्यूटेशन इज सब डिवाइडेड। तो जो टास्क होता है ना, तो ये मेन कंप्यूटेशन का कोई हिस्सा होता है, मेन कंप्यूटेशन का कोई सब लेवल पे जाके कंप्यूटेशन होती है, ठीक है। साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क इज द की टू रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम। तो जब एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क किए जाएंगे तो जो ओवरऑल कंप्यूटेशन है वो टाइमली हो जाएगी, बजाय उसके एक हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं उसको सीक्वेंस में अगर करें तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसको जो सब टास्क में डिवाइड किया हुआ है और सबको असाइन कर दिया गया है और एक ही वक्त में सब कर लेते हैं, तो ओवरऑल बाद में रिजल्ट को कंबाइन कर लिया जाता है, तो इट इज़ सूटेबल वे और ये टाइम भी कम लगेगा। सो टास्क कैन बी ऑफ आर्बिट्रेरी साइज, ठीक है, बट वंस डिफाइंड दे आर रिगार्डेड एज आ इनविजिबल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटेशन। मतलब कि पहले आर्बिट्रेरी साइज का मतलब ये है कि साइज मुख्तलिफ टास्क का मुख्तलिफ हो सकता है, मुख्तलिफ टास्क का साइज, कोई छोटा टास्क है कोई बड़ा टास्क है, किसी पे टाइम कम लग रहा है किसी पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। कहते हैं जब इसको डिफाइन किया जा सकता है, दे आर रिगार्डेड एज इनविजिबल यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन, द टास्क इन टू विच अ प्रॉब्लम इज डिकम्पोज मे नॉट बी ऑल बी ऑफ द सेम साइज, ऊपर जो मैंने अभी बात बताई, हो सकता है वो सारे के सारे सेम साइज के नहीं हैं। सो टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ क्या होता है जी, कहता है इसके अंदर नोड्स रिप्रेजेंट टास्क, नीचे मैं दिखाता हूँ आपको, नोड्स रिप्रेजेंट करते हैं टास्क को, डिस्क्रीट एजेस रिप्रेजेंट कंट्रोल डिपेंडेंसीज। ये कहाँ गई, इसमें से मिस हो गया, मार्कर है मैं यहाँ पे बता दूँ, टास्क डिपेंडेंसी एक्चुअली ना ग्राफ, ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर बनना था। फॉर एग्जांपल चार टास्क हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो डायग्राम उससे ना पेस्ट करना मिस हो गई है, चार हमारे पास टास्क हैं, हमने क्या किया सर्कुलर फॉर्म में टास्क वन टास्क टू टास्क थ्री टास्क फोर, हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को चार टास्क में डिवाइड इनिशली कर लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कुछ टास्क इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आउटपुट दूसरे टास्क एज ए इनपुट यूज़ करेंगे, हो सकता है ना। अब हमारे पास टास्क फॉर एग्जाम्पल चार हैं यहाँ पर इनिशली जो स्टार्टिंग लेवल पे यूज़ हो सकते हैं, प्रोसेस वन एक टास्क पे चल रहा है, यानी कि प्रोसेसर वन प्रोसेसर टू प्रोसेसर थ्री प्रोसेसर फोर, यानी कि चार प्रोसेसर चार टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्रोसेसर भी चार हैं एक वक्त में, वो चार एट द सेम टाइम चल गए, अब इन दो टास्क की जो आउटपुट है
वो एज ए इनपुट यहाँ पर टास्क नंबर 5 में यूज़ होनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ से जो दो एजेस निकलेंगे उसकी वो बात कर रहा है डायरेक्टेड एजेस, ठीक है। डायरेक्टेड एजेस रिप्रेजेंट कंट्रोल डिपेंडेंसी, तो वो डिपेंडेंसी शो कर रहा है ना कि इसकी आउटपुट इसकी इनपुट होगी। इसी तरह से ये दो टास्क हैं उसकी आउटपुट फॉर एग्जाम्पल इसकी इनपुट होनी है, तो ये टास्क नंबर 5 टास्क नंबर 6 यहाँ से आउटपुट्स यहाँ पर आ रही हैं, तब ये प्रोसेसर फ्री हो गए चार ऊपर वाले अपना काम करके। फिर फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसर 1 ये काम कर रहा होगा, प्रोसेसर 3 ये काम कर रहा होगा, फिर इन दोनों की जो आउटपुट है वो मे बी एक और टास्क के लिए एज इनपुट हो, वो लास्ट टास्क हो, या उनको कंबाइन करके ये वाला आना हो तो वो लास्ट में हमारे पास आएगा। तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है बेसिकली इट इज़ कॉल्ड टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ। क्लियर हो गया? जिसकी आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट, यानी कि एक टास्क कंप्लीट हो गया उसकी आउटपुट दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो गया, दोनों की आउटपुट एक टास्क के लिए चाहिए, या तीन टास्क की आउटपुट एक टास्क के लिए चाहिए या दो टास्क के लिए चाहिए, तो वो जो ग्राफ होगा डायरेक्टेड एज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। यानी कि डिपेंडेंसी शो करने के लिए जो एज है वो डायरेक्टेड एज है, यानी कि डायरेक्ट उस टास्क की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है। सो देर आर 3 अप्रोचेज पैरेलल एल्गोरिथम को डिजाइन करने की, 3 अप्रोचेज यहाँ से सीखी गई हैं। एक तरीका कार तो ये है, एग्जिस्टिंग सीक्वेंशियल एल्गोरिदम आर मॉडल टू फॉर्म द पैरेलल एल्गोरिदम, मतलब कि पहले से एक एल्गोरिदम बना है और वो सीक्वेंशियल है, आप उसको ही पकड़ के उसके अंदर देख लेते हैं कि क्या मैं करूं या किस तरह से इसकी इसके अंदर कुछ प्लस माइनस करूं कि ये पैरेलल के लिए फ्रूटफुल ठहर जाए। एक तो ये अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच क्या है, डिवेलपिंग अ न्यू पैरेलल, आप स्टार्ट से ही नया पैरेलल एल्गोरिदम बनाते हैं, आपकी प्रॉब्लम इतनी यूनिक है कि इस तरह का काम पहले हुआ नहीं, तो आप उसके लिए नया एल्गोरिदम खुद से डिजाइन करते हैं जब पैरेलल, ठीक है। ये एक अप्रोच है। एंड थर्ड वन, पिकिंग ऑफ द शेल्फ पैरेलल एल्गोरिदम अकॉर्डिंग टू अवर नीड, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, अपनी जरूरत के मुताबिक जो बने बनाए पैरेलल एल्गोरिदम है उनको इस्तेमाल करके हम अपना काम चला लेते हैं। ये थर्ड अप्रोच है, ठीक है। तो पैरेलल एल्गोरिदम को यूज़ करने की, अप्लाई करने की, ये तीनों अप्रोचेज यूज़ हो जाती हैं। एक तो सिक्वेंशियल को लेकर उसके अंदर पैरेलल बना लेना, एक तो हम नए सिरे से ही पैरेलल को डेवलप कर लेना, और एक ऑफ द शेल्फ बने बनाए पैरेलल एल्गोरिदम को यूज़ कर लेना अपनी जरूरत के मुताबिक अगर वो फिट हो सकता है तो, ठीक है। कई ऐसे एल्गोरिदम हैं अवेलेबल ना, पैरेलल एल्गोरिदम जो पहले से बने बनाए हैं, तो हमारी मे भी किसी प्रॉब्लम में फिट हो रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उस चीज़, फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अब उस प्रोडक्ट में मैंने एक फीचर देना है कि मैं ये जो फॉर्म डिज़ाइन कर रहा हूँ लोग इसको प्रिंट कर सकें, तो अब प्रिंटिंग के लिए मैं नए सिरे से इतना कोड करूँगा तो प्रिंटिंग की बनी बनाई यूटिलिटी यूज़ कर लूँगा, मैं उसी कोड को जस्ट अपने प्रोडक्ट में एम्बेड कर लूँगा, फ़ायदा हो जाएगा ना, टाइम कंप्यूटेशन कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली अप्रोच यूज़ की जा सकती है। सो देन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, हम एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं, क्यों एनालाइज करते हैं, पता चले कि एल्गोरिदम कितना इफेक्टिवली काम करता है या नहीं, हमारी किस सिस्टम की जो कंप्यूटेशन स्पीड कम ज़्यादा हो रही है कि नहीं है। कहते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम हेल्प्स अस, क्यों एनालिसिस करते हैं, वेदर द एल्गोरिदम इज़ यूजफुल और नॉट, इस चीज़ का पता चलवाने के लिए कि क्या एल्गोरिदम हमारा यूज़फुल है या नहीं, क्या हमारा एल्गोरिदम यूजफुल है या नहीं। सो जनरली एन एल्गोरिदम इज एनालाइज्ड बेस्ड ऑन इट्स एग्जीक्यूशन टाइम, एल्गोरिदम को उसके एग्जीक्यूशन टाइम के लिहाज से एनालाइज किया जाता है। सो वो एग्जीक्यूशन टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये कभी पढ़ा होगा आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जब आपने डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पढ़ा था। सो द अमाउंट ऑफ स्पेस इट रिक्वायर, कितनी इसको मेमोरी चाहिए, ठीक है। सो सिंस वी हैव सोफिस्टिकेटेड मेमोरी डिवाइस अवेलेबल एट रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट, स्टोरेज स्पेस इज नो लॉन्गर एन इशू, मतलब कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी इतना इशू नहीं होता, एनालिसिस में स्पेस कम्प्लेक्सिटी इतना इशू नहीं होता, ज़्यादा इशू क्या होता है टाइम कम्प्लेक्सिटी का, कि हमारा टाइम कम लगे, ये हम मेनली चाह रहे होते हैं, क्यों हार्डवेयर वगैरह लोग परचेज कर लेते हैं। अब देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टली स्मार्टफोन क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वो जल्दी वर्क करता है, एफिशिएंट होता है, स्टक नहीं होता, ठीक है, हम चाहते हैं काम जल्दी हो। अब ये इतना मैटर नहीं है, मतलब कि कॉस्ट इतनी लेकर भी करके भी बाद में एफिशिएंसी भी ना मिले, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो कहते हैं कि आपके पास स्पेस इज नॉट अ लॉन्गर एन इशू, हेंस द स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज नॉट गिवन एज मच ऑफ इम्पोर्टेंस।
स्पेस कम्प्लेक्सिटी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है? टाइम कम्प्लेक्सिटी को। सो पैरेलल एल्गोरिथम आर डिजाइन टू इम्प्रूव द कंप्यूटेशन स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। सो फॉर इन, अब एक बात यहाँ पर यह भी जहन में रखनी है कि कंप्यूटर की कंप्यूटेशन स्पीड को इंक्रीज करने के लिए पैरेलल एल्गोरिथम डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एनालाइजिंग कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं हमारे पास? टाइम कम्प्लेक्सिटी, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज, कितने प्रोसेसर यूज हो रहे हैं, और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो इन तीनों की बेस के ऊपर हम पैरेलल एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे, ठीक है। प्रोसेसर कितने यूज हो रहे हैं? स्पेस में नहीं आएंगे, वो तो चाहिए, लेकिन प्रोसेसर यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करने का मकसद हमारा क्या है कि टाइम कम लगे। यहाँ पर वो जो एल्गोरिदम यूज़ होगा ना, एल्गोरिदम जो डेटा लेगी, डेटा को रखेगी, कितने टाइम के लिए वो वेरिएबल अंदर मेमोरी में रहेंगे वगैरह वगैरह, उस स्पेस की बात हो रही है। तो ये रैम पे होती है ना, जब हम जैसे ही हम एल्गोरिदम चलाते हैं हमारी मेमोरी यूटिलाइज नहीं होती प्रोसेसर के अंदर। नहीं 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 नहीं, आप इस स्पेस को क्यों, ये जो स्पेस है स्टोरेज स्पेस इज नो लॉन्गर इशू, इस स्पेस से आप हार्ड डिस्क ले रहे हैं? नो, ये जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज की स्पेस की बात हो रही होती है, अब जब भी आपका प्रोसेसर वर्क कर रहा होता है ना, वो आपकी हार्ड डिस्क को यूटिलाइज नहीं कर रहा होता, आपकी रैम को यूटिलाइज कर रहा होता है। तो जब प्रोसेसर ने वर्किंग करनी है, एल्गोरिदम ने चलना है, तो उसने स्पेस रैम की यूज़ करनी है, प्रोसेसर रैम के साथ अंदर नहीं होता। आप इस चीज़ को मिक्स कर रहे हैं। प्रोसेसर जो है ये बेसिकली नियरेस्ट टू कैशे होता है, कैशे के ऊपर रैम होती है, रैम से ऊपर हार्ड डिस्क होती है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें। हमें कुछ चाहिए होता है परफॉर्म करवाने के लिए, तो हम जब उसको चलाते हैं ना, एक्टिव करते हैं, हार्ड डिस्क से ओपन करते हैं, वो रैम पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? हम कंप्यूटर चलाते हैं, आप देखते हैं कंप्यूटर के ऊपर रिस्टार्ट या लोडिंग आ रहा होता है, उसका मतलब क्या होता है? वो आपकी विंडो की सारी फाइल्स रैम पर लोड हो रही होती हैं, क्योंकि रैम इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी काम होते हैं रैम पे होते हैं, वो तो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, वहाँ पर डेटा हमारा पड़ा हुआ है परमानेंटली। हमने जो चीज़ काम करवाने के लिए जिसको प्रोसेसर की टेंशन लेना है, रैम के ऊपर आगे लेना है, ठीक है। तो जैसे वो सारी विंडो चल रही है, ये सारा कुछ शो हो रहा है, रैम एक्टिव है, जब कंप्यूटर बंद होता है रैम खाली हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? हार्ड डिस्क से सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा कहाँ पर आता है? रैम पे, ठीक है, रैम पे चलता है, और रैम पे जो चलता है जिस डेटा पे करंटली वो वर्क कर रहा होता है, रिसेंटली जो उसने काम किया होता है, वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है? कैशे में। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक फाइल को यहाँ से क्लोज कर दूँ, वो कहाँ पे जाएगी? कैशे पे। और जब कैशे की मेमोरी मोस्ट लिमिटेड होती है, वो जब मैं 3-4 फाइलें 5-6 फाइलें और बंद कर दूंगा, तो मे बी जो मैंने 5-6 टाइम पहले की थी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है, स्पेस स्टोरेज की बात हो रही है, वो रैम के प्रोसेसर के चलते हुए जितनी वो स्पेस लेगा, ठीक है, ओके। सो इन तीनों को वन बाय वन देखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ प्रोसेसर और टाइम टोटल कॉस्ट। सो द मेन रीजन बिहाइंड द डेवलपिंग पैरेलल एल्गोरिथम वाज टू रिड्यूस द कंप्यूटेशन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, दस इवेल्युएटिंग द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी के लिए हमें उसका एग्जीक्यूशन टाइम इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। सो इवेल्युएशन टाइम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन बाय द एल्गोरिदम, कि कितना टाइम वो लेगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मोमेंट व्हेन द एल्गोरिदम स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग टू, मतलब कि जब वो स्टार्ट करता है, जब वो स्टॉप करता है, उतना टाइम वो उसका एल्गोरिदम का टाइम है कि कितना टाइम एग्जीक्यूशन पे लगा रहा है। इफ ऑल द प्रोसेसर डू नॉट स्टार्ट एट एंड एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम, पैरेलल एल्गोरिदम में सारे के सारे प्रोसेसर अगर सेम टाइम पे स्टार्ट, ठीक है, नहीं करते और सेम टाइम पे एंड नहीं करते, द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द एल्गोरिदम इज द मोमेंट व्हेन द फर्स्ट प्रोसेसर स्टार्टेड एंड द लास्ट प्रोसेसर स्टॉप, ठीक है। तो यानी कि पहला प्रोसेसर जब स्टार्ट करेगा तब एग्जीक्यूशन टाइम स्टार्ट हो रहेगा उस एल्गोरिदम का, और जब लास्ट वाला प्रोसेसर एंड करेगा तब उस पैरेलल एल्गोरिदम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है स्टॉप होगा। तो वो सारा टाइम काउंट होगा, चाहे कोई प्रोसेसर तब एक्टिव है चाहे नहीं है, ठीक है। सो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज,
वर्स्ट केस हो सकता है, बेस्ट केस हो सकता है, और एवरेज, ये आप इस इन चीज़ों का पता है आपको। बेस्ट केस क्या होता है? कम से कम टाइम, और वर्स्ट केस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, एवरेज केस नॉर्मल जो जितना वो एवरेज लगा सकता है। सो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास आ रहा था बिग ओ, ओमेगा, थीटा, ये भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। कहते हैं द कॉम्प्लेक्सिटी और एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूटेड फॉर द एल्गोरिथम टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। द एसिम्प्टोटिक एनालिसिस इज डन टू कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। जी आ जाए, ये ना बंद कर दें, कोई ये चीज़ें आप डिस्कस कर लेते हैं, ये हमने पढ़ी हुई हैं पहले, इधर से है ना उतार दें। एक्सटेंशन भी चाहिए आपको? चलें ये वाला चार्जर उतार दें। चलें ओके अब चीज़ें डिस्कस करूँगा उस पर फोकस करना है आपने। असिम्प्टोटिक न्यूट्रिशन पे बात कर रहे थे, ठीक है। कहते हैं सिम्प्टोटिक जो एनालिसिस होता है ना, लार्ज लेंथ ऑफ इनपुट इज यूज टू कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शंस। अब यहाँ पर बिग ओ नोटेशन किस लिए यूज होता है भला? बिग ओ, थीटा और ओमेगा, ये ज़रा आप में से कौन बताएगा? आयशा के अलावा भी बता सकते हैं। हाँ नोटेशन है ना, कॉम्प्लेक्सिटी की नोटेशंस हैं, बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, ठीक है, एंड थीटा नोटेशन। तो बिग ओ जो है वो किस लिए यूज होती है? बिल्कुल, किसी एल्गोरिदम का अपर बाउंड फाइंड करने के लिए। अपर बाउंड का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम लगेगा, अपर बाउंड ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम, अपर बाउंड ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम। इट्स मीन इट रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम डैट एल्गोरिदम कुड टेक टू कम्प्लीट द एग्जीक्यूशन। ये मेन चीज़ है, लॉन्गेस्ट टाइम एन एल्गोरिदम कैन टेक टू कम्प्लीट द एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? बिग ओ आमतौर पर हमारे पास वर्स्ट केस एनालिसिस को शो करने के लिए यूज होता है। तो वर्स्ट केस भी तो ये है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लगेगा। देन ओमेगा नोटेशन, तो ओमेगा नोटेशन जो होता है वो लोअर बाउंड को फाइंड करता है, ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ द एल्गोरिथम, कम से कम टाइम कितना लगेगा, ठीक है। उसके बाद थीटा नोटेशन, इट इज द एवरेज केस लाइक, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन ओमेगा, ग्रेटर देन ओमेगा एंड लेस देन बिग ओ, ठीक है, मतलब कि एवरेज जो है जिसके अंदर आ रहा है, रिप्रेजेंटिंग बोथ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, ये लिख रहे हैं, दोनों को वो रिप्रेजेंट कर सकता है, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम। हाँ थीटा इसको कहते हैं जिसमें एग्जैक्ट आ रहा था स्पेशली, ठीक है, थीटा मतलब बोथ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ एन एग्जीक्यूशन टाइम, एल्गोरिथम के अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो ये था हमारी नोटेशन। देन हम कहते हैं जी देर इज़ अ फार्मूला, जिस फार्मूले के तहत हम अपने एल्गोरिदम का स्पीड अप काउंट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एक एल्गोरिदम की काउंट करनी है ना आपने, तो परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम, सॉरी परफॉर्मेंस ऑफ अ पैरेलल एल्गोरिदम इज डिटरमाइंड बाई कैलकुलेटिंग द स्पीड अप। अब स्पीड अप क्या है? स्पीड अप इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ वर्स्ट केस टाइम ऑफ द फास्टेस्ट नाउन सिक्वेंशियल एल्गोरिदम फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पैरेलल एल्गोरिथम। यानी कि ऊपर डिवाइड करते हैं, ऊपर आपका आता है वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द सिक्वेंशियल, एक खास प्रॉब्लम है ना, अगर हम उसको सिक्वेंशियल एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं उसका वर्स्ट केस क्या है, डिवाइडेड बाय वर्स्ट केस ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम फॉर पैरेलल एल्गोरिथम, कि पैरेलल एल्गोरिथम का से अगर करते हैं तो उसका वर्स्ट क्या है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड अप आ जाएगा। ये फार्मूला है। देन नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज्ड। पहला ये अभी हमारा कंप्लीट हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऊपर सिक्वेंशियल का वर्स्ट केस, नीचे पैरेलल का वर्स्ट केस, और ये किसका आंसर आता है? स्पीड अप क्या होती है?
किसी भी पैरेलल एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए स्पीड अप काउंट की जाती है। सो उसके बाद नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज्ड, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर एनालाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ पैरेलल एल्गोरिथम। कौन सा नंबर ऑफ कितने प्रोसेसर यूज हो रहे हैं, ठीक है। द कॉस्ट टू बाय मेंटेन एंड रन द कंप्यूटर आर कैलकुलेटेड, लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज बाई एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम मोर कॉस्टली बिकॉज द रिजल्ट ऑब्टेन, मतलब कि जितनी ज़्यादा कॉस्ट लगाएंगे ना उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उतने ज़्यादा प्रोसेसर होंगे उतनी जल्दी काम होगा, ठीक है। कि नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज जो है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारा पैरेलल एल्गोरिथम एफिशिएंटली काम करे। लास्ट वन इज टोटल कॉस्ट, सो टोटल कॉस्ट ऑफ द पैरेलल एल्गोरिथम इज द प्रोडक्ट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द नंबर ऑफ प्रोसेसर। ऊपर हमने दोनों चीज़ें निकाली, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी और नंबर ऑफ प्रोसेसर भी, तो जितने प्रोसेसर हैं और कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास बेसिकली जो है वो आ जाएगी हमारे उस पैरेलल एल्गोरिथम की, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट की बेस के ऊपर हम फिर अपनी एफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ सिक्वेंशियल एल्गोरिथम एंड वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पैरेलल एल्गोरिथम, जो ऊपर हमने काउंट की हुई है। ओके जी, ये हमारा था पैरेलल एल्गोरिथम क्या होते हैं और उनका एनालिसिस, ठीक है। तो चलें इसके जो मॉडल्स हैं हम कल वाले लेक्चर में स्टार्ट करके कल एंड करेंगे। देर आर सिक्स मॉडल, ये हमने कल ही पढ़ने हैं, ठीक है। ओके जी, आज के लिए